गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जियो का जो सेवन्थ लेसन है इंडस्ट्रीज़ वो स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं पहले कवर किए हैं उन लास्ट टू डेज़ में, जिसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, नीड फॉर इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये सब हमने क्लियर किया है। एंड इंडस्ट्रीज़ जो अलग अलग हैं, जो फैक्टर्स हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमने टू इंडस्ट्रीज़ के बारे में रीड किया है फिलहाल। फर्स्ट है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं इस लेसन को। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और द आईटी इंडस्ट्री, आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इज अ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। ये जो है एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। इट हैज़ नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट सर्विस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इट इंक्लूड सर्विसेज गिवन टू कंज्यूमर्स ऑन कंप्यूटर्स, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स, फिक्स एट्सेट्रा। मतलब इस आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, जिनमें जो सर्विस दी जाती है कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को वो इनके थ्रू दी जाती है, लाइक कंप्यूटर्स हैं, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स एंड फिक्स वगैरह हैं। द आईटी इंडस्ट्री प्राइमरली डील्स विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब स्टोरेज, अब हमें जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करने होते हैं उसमें हम स्टोर भी करते हैं, उसके बाद जैसे कंप्यूटर में हम प्रोसेसिंग भी करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, जिन्हें भी सेंड करना है उन्हें किया जाता है। ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ द कंप्यूटर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ कंप्यूटर, जैसे कि आपको इस फोटो में शो किया गया है। टुडे द आईटी इंडस्ट्री इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नियरली एवरी बिग और स्मॉल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आईटी इंडस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है वर्ल्ड में, चाहे वो बिग है सिटी, बिग सिटी है, बिग इंडस्ट्री है या स्मॉल इंडस्ट्री है। द सिलिकॉन वैली इन USA इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। USA में जो सिलिकॉन वैली है वो आईटी इंडस्ट्री का बर्थ प्लेस है, आईटी इंडस्ट्री की स्टार्टिंग जो है वहीं से हुई है। द कंप्यूटर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन USA इन 1946 फॉर डिफेंस पर्पसेस। जो कंप्यूटर है फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था USA में 1946 में डिफेंस पर्पसेस, पर्पस का मतलब है उद्देश्य, डिफेंस पर्पस के लिए हुआ था। इट हेल्प्ड इन स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टिनी चिप्स। द की एलिमेंट्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री आर मेंशन्ड एज अंडर। इसमें क्या बताया गया है, ये जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट, काफ़ी बड़े अमाउंट को स्टोर करने में। किस चीज़ के बड़े अमाउंट को, इन्फॉर्मेशन के बड़े अमाउंट को छोटी छोटी टिप्स में स्टोर किया जाता है, आगे अगर हम जब भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम अपनी वीडियोस का ही ले लेते हैं, अब आपको जो भी वीडियो सेंड करते हैं हम, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम विद इन वन मिनट टू मिनट्स जो है आपको लिमिट दे दी जाती है कि आप उस टाइम देखो या उसे रीड करो, उसके बाद जब भी आपको टाइम लगता है आप उस वीडियो को यूज़ कर सकते हो, वो स्टोर हो जाती है आपके डिवाइस में। फर्स्ट वन हार्डवेयर, विच इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, सर्वर्स, प्रिंटर्स, नेटवर्क इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन्स एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं, हार्डवेयर हैं। सेकेंड, ये सब आपको बताए जा रहे हैं एलिमेंट्स जो हम आईटी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड है सॉफ्टवेयर, विच इंक्लूड्स प्रोग्राम्स फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स, वीडियो गेम्स एट्सेट्रा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे अगर कोई मोबाइल फ़ोन है उसमें जब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक वो जो है वो सिर्फ डमी कहलाएगी। डमी मीन्स वो सिर्फ एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है, जब तक उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाता जब तक वो काम नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इंक्लूड द इंटरनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, डाटा सेंटर्स एट्सेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन सभी को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट। अब हमारे पास अगर मोबाइल है और इंटरनेट नहीं है तो हम कैसे हम वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन, विच इंक्लूड्स द डाटा, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस, वीडियोज़, इमेजेस एट्सेट्रा। अब जैसे जो भी वीडियोज़ होती हैं, जो भी वॉइस डॉक्यूमेंट्स डाटा है, इमेजेस हैं, वो सब इंफॉर्मेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। द हार्डवेयर्स आर द कंप्यूटर मशीन्स वाइल द सॉफ्टवेयर्स आर द प्रोग्राम्स। हार्डवेयर्स क्या होते हैं, जैसे मोबाइल, जो आपके पास मोबाइल है वो क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में जो भी आपने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो वो क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर दैट वी यूज़ इन द कंप्यूटर्स, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं चाहे हम
कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं. द मेन फैक्टर्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इसमें आपको मेन जो है फैक्टर्स बताए गए हैं जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और डेवलपमेंट की कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स. द मेन कंट्रीज दैट हैव डेवलप्ड द आईटी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आईटी इंडस्ट्री जो है डेवलप हुई है, लाइक यूएसए, इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एट्सेट्रा. द लीडिंग सेंटर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, जो लीडिंग सेंटर सबसे बड़ा सेंटर है आईटी इंडस्ट्री का वो है सेंटा क्लारा काउंटी इन कैलिफोर्निया. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिलिकॉन वैली, इसे सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है इंडिया. इन इंडिया बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. इंडिया में अगर हम सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोला जाता है. ओके, यूएसए में सेंटा क्लारा काउंटी जो कैलिफोर्निया में है, और इंडिया में जो है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, जैसे कि क्लास में भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था. After that some landmarks of the IT industry are as under. यहाँ पर कुछ आपको landmarks दिए हुए हैं जो IT industry से related हैं. First, Fairchild was the first company to produce integrated circuits on a large scale. जो Fairchild है वो first ऐसी company है जिन्होंने produce किया था integrated circuits काफ़ी बड़े स्केल पर. After that Intel introduced the standard computer processing units. इंटेल जो है सीपीयू, आपने देखे होंगे सीपीयू जो इंटेल ब्रांड के होते हैं, वो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, 1973. आईबीएम गेव द पर्सनल कंप्यूटर पीसी, पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, टू द वर्ल्ड इन 1982. ये कब स्टार्ट हुए थे आईबीएम, 1982 पर्सनल कंप्यूटर जिसकी बात की गई है. माइक्रोसॉफ्ट डेवलप द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या डेवलप किया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, जो अभी थोड़े टाइम पहले जो डेवलप हुआ वो क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. ये हमने बात की थी किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जिसे हम आईटी कहते हैं, आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके बाद हम बात करेंगे द शुगर इंडस्ट्री. इट इज़ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो हमने पहले भी रीड किया था, एग्रो किससे रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से. इट इज़ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड द मेन रॉ मटेरियल्स आर शुगर केन एंड शुगर बीट. शुगर केन और शुगर बीट जो हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं. शुगर केन ग्रोज वेल इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, जो शुगर केन हैं वो कहाँ अच्छे से ग्रो किए जा सकते हैं, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में. वाइल द शुगर बीट ग्रोज वेल इन द टेम्परेट रीजन्स, और जो शुगर बीट हैं वो कहाँ ग्रो किए जा सकते हैं, टेम्परेट रीजन्स में. मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स आर लोकेटेड क्लोज टू द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज, ज़्यादातर जो शुगर मिल्स हैं वो कहाँ लोकेट की जाती हैं, जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल अच्छे मतलब जल्दी मिल जाता है, जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे एरियाज में ही शुगर मिल जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाती हैं. शुगर केन एंड शुगर बीट आर नॉट ओनली पेरिशेबल कमोडिटीज़ बट ऑल्सो वेट लूजिंग, ये जल्दी ख़राब होने वाली तो हैं ही, बट साथ में उनका जो वेट है वो भी लूज़ होता जाता है. दे शुड बी सेंड टू द मिल्स इमीजिएटली, उन्हें जो है साथ के साथ मिल्स में भेज दिया जाना चाहिए आफ्टर द हार्वेस्ट फॉर क्रशिंग. मतलब अब इसे शुगर केन को काफ़ी टाइम तक अगर रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है. ओके, तभी बोला गया है कि इसे जल्दी ही मिल्स में भेज दिया जाना चाहिए. द मेन कंट्रीज़ प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन आर, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो शुगर प्रोड्यूस करती हैं शुगर केन से, वो हैं ब्राज़ील, इंडिया, क्यूबा, इंडोनेशिया, केन्या, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा. वाइल दोज प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर बीट आर रशिया, फ्रांस, यूएसए, चाइना, जर्मनी. पहले हमने बात की थी शुगर की, उसके बाद शुगर केन की, शुगर जो है शुगर केन से बनाया जाता है. उसके बाद हमने बात की शुगर बीट की, उनकी कंट्रीज़ के बारे में आपको बताया गया है. द मेन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो ऐसे आपको जो है स्टेट्स बताए गए हैं जहाँ पर शुगर जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. ओके, अब हमने बात की थी शुगर इंडस्ट्री की, अब हम बात कर रहे हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री.
ओके. इन द पास्ट स्मॉल शिप्स एंड बोट्स वर बिल्ड बाय दोज कंट्रीज दैट हैव इनफ टिम्बर एंड हैव अ नेवल आउटलुक. पहले जो है स्मॉल शिप्स और बोट्स बनाई जाती थी ऐसी कंट्रीज के थ्रू जहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ी वगैरह जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता था अच्छे से मिल जाता था. नाउ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज स्टील. जो रॉ मटेरियल अब यूज़ किया जाता है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में वो है स्टील. थस टुडे दिस इंडस्ट्री इज मोस्टली फाउंड इन दोज कंट्रीज दैट हैव डेवलप्ड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑन अ लार्ज स्केल. आज के टाइम में ऐसी इंडस्ट्रीज वहाँ देखने को मिलती हैं जहाँ पर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो काफ़ी बड़े स्केल पर होती है. द अदर मेजर नीड ऑफ द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज द स्किल लेबर. स्टील चाहिए होती है एज अ रॉ मटेरियल, उसके साथ साथ क्या चाहिए होता है स्किल्ड लेबर. ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो स्किल्ड हों, जो काम को अच्छे से कर पाए, एक्सपीरियंस्ड हों. टुडे द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज असेंशली एन असेंबली इंडस्ट्री एज मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड आर मैनुफैक्चर्ड इन वेरियस यूनिट्स एंड आर ब्रॉट टू द शिप बिल्डिंग यार्ड फॉर फाइनल असेंबली वर्क. इट मीन्स अलग अलग पार्ट्स बना दिए जाते हैं असेंबली इंडस्ट्री. इन असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है शिप बिल्डिंग जो होती है उसके अलग अलग पार्ट्स को असेंबल कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है जिससे एक शिप तैयार कर दी जाती है. शिप्स आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव. शिप जो हैं काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, खर्चीली होती हैं, जिस पर काफ़ी खर्चा आता है. बस दे आर यूजली बिल्ट इन स्मॉल नंबर्स एंड इन इंडिविजुअल डिज़ाइंस एज पर द रिक्वायरमेंट्स. मतलब ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से 50-60 जो है शिप्स बनाकर रख दें. जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से बनाना पड़ता है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और काफ़ी बड़ी भी होती हैं. द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हैज़ बिन डेवलप्ड इन मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हैं काफ़ी डेवलप हुई हैं वर्ल्ड के काफ़ी नेशंस में, पर्टिकुलरली इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज. इन कंट्रीज में जो हैं डेवलप हुई हैं. द एक्सपेंसिव लेबर इन दिस कंट्रीज इज फोर्सिंग द माइग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूगोस्लाविया एंड ग्रीस. मतलब जो एक्सपेंसिव लेबर है इन कंट्रीज में उन्होंने फोर्स किया है माइग्रेशन करने के लिए ऑफ द इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री को माइग्रेट होने के लिए काफ़ी फोर्स किया क्योंकि इसका जो लेबर है, क्योंकि इसमें जो वर्क करने वाले पर्सन होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं. इस वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं माइग्रेट हो चुकी हैं कहाँ पर, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूगोस्लाविया एंड ग्रीस. हुंडई इन साउथ कोरिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट शिपयार्ड्स इन द वर्ल्ड. हुंडई जो है कहाँ पर, साउथ कोरिया में, वो वन ऑफ द बेस्ट शिपयार्ड्स है वर्ल्ड का. ओके. द मेन सेंटर्स ऑफ शिप बिल्डिंग आर लिस्टेड एज अंडर. यहाँ पर आपको कुछ मेन सेंटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है यूरोप. यूरोप में नेम बताए हुए हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पर जो सेंटर्स हैं शिप बिल्डिंग के. सेकेंड नॉर्थ अमेरिका में आपको बताए गए हैं, उसके बाद एशिया है, एशिया में भी अलग अलग सेंटर्स बताए हुए हैं. ओके. इट मींस अकॉर्डिंग टू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, आपको इन नेम के अकॉर्डिंग बता दिया गया कि कौन कौन से सेंटर्स जो हैं यूरोप में हैं, कौन से नॉर्थ अमेरिका में हैं, कौन से. अब जैसे एशिया है, एशिया में टोक्यो है, योकोहामा है, कोवास्की, कोब, ये सब जो हैं एशिया में हैं. ओके. टुडे यू हैव टू रीड दीज टू पॉइंट्स. कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके. अच्छे से लर्न करना है बेटा, पहले भी हम इसे अच्छे से रीड कर चुके हैं, तो अब जो भी आपको डाउट्स आते हैं साथ के साथ इसे क्लियर करते जाओ. एंड सेकंड जो हमने की थी द शुगर इंडस्ट्री की थी, एंड थर्ड वन हमने जो कंप्लीट किया है वो हमने किया है द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज. दिस थ्री पॉइंट्स यू हैव टू रीड एंड लर्न ऑल द इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन. ओके. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.